और पिंडी एक्सप्रेस हैज लेफ्ट द स्टेशन। विराट कोहली के ऊपर बहुत सारा मैं क्रिटिसिज्म सुन रहा हूँ विराट कोहली के ऊपर, और मैं हज के दिनों में था तो मेरे टीवी के साथ ज़्यादा इंट्रैक्शन थी नहीं, ज़्यादा मैं सोशल मीडिया देख नहीं रहा था और ना ही मुझे खबर थी कि क्या हो रहा बाहर की दुनिया में। जब मैं वापस आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि उन पे एक क्रिटिसिज्म का पहाड़ टूट पड़ा है और ये कहा जा रहा है उनको ड्रॉप कर दिया जाए। अब विराट कोहली ख़त्म हो चुके हैं, ये बात ठीक है, विराट कोहली के करियर में अब रहा कुछ नहीं है, ये बात भी ठीक है, और मुझे लगता है कि वो आने वाले वक्त में अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये बात भी ठीक है, ऐसा मुझे लोग कहते हैं। मैंने इनसे ये बात की, मैंने बात सुनो, ये विराट कोहली दुनिया का ग्रेटेस्ट प्लेयर है फॉर लास्ट 10 ईयर्स में, अगर कोई ग्रेटेस्ट प्लेयर को अमर्ज हुआ है वो विराट कोहली है, और एक आधा साल उसका बुरा गुजरा है, वो इस साल में भी उसने काफी रन किए हुए हैं, 100 नहीं किए लेकिन उसने रन काफी किए हुए हैं। एक दम उसके खिलाफ हो जाना, एक दम उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर देना, एक दम उसको ये कह देना, इतने बड़े प्लेयर को, इतने बेहतरीन इंसान और इतना अच्छा प्लेयर और इतना बड़ा प्लेयर और ग्रेट प्लेयर एंड और इतना नफीस इंसान, उसको आप पकड़ के जलील करना शुरू कर रहे हैं मीडिया पे। मुझे समझ नहीं आ रही किस तरह आपने सोच लिया कि आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं, ये कैसे आपने सोच लिया कि कपिल देव। कुछ हुआ बोल जाए, एक हिस्ट्री है, वो लेजेंड है और बहुत बड़े क्रिकेटर है, ये बात वो कह सकते हैं, कपिल देव कह सकते हैं और कोई नहीं, ग्रेट क्रिकेटर कह सकता है जैसे कपिल देव भाई हैं, कह सकते हैं, ये उनकी ओपिनियन है, वो ठीक अपनी जगह पे कह रहे हैं, ठीक है मान ली बात। हाँ, एज अ पाकिस्तानी जो मुझे मैं अब जो सपोर्ट कर रहा हूँ विराट कोहली की, वो इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए 1700 कोई ये खाला जी का घर नहीं है, ये कोई कैंडी क्रश नहीं हो रहा कि 1700 कर दिए अगले ने, ये कोई ग्रेट आदमी 100 कर सकता है, ये आम बंदा 100 नहीं कर सकता इतने। और मेरी तो ख्वाहिश है कि अभी तो आपने देखना है कि अब जब इस फेज से विराट कोहली बाहर आएगा वो एक और दुनिया का बंदा होगा, और इस दुनिया से उसको निकलना है, कुछ चीज़ें हैं जो विराट कोहली को खुद सेट करनी है, और मैं इशारतन उसको समझा रहा हूँ अपने व्लॉग से कि वो जो एक 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 जो लाइफ स्पैन था एज ए कैप्टन और एक मीडिया रिलेटेड एक लाइफ थी, साइड पे करते अब बिल्कुल नाक की सेहत में और बल्ले के साथ आप फोकस हो जाएं, कोई मसला नहीं परफॉर्म हुआ तो क्या हो गया, लोग बाहर निकालने कह रहे हैं तो क्या हो गया भाई, ये जो सारी चीजें जो हो रही हैं, मैं विराट कोहली को बता रहा हूँ, जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये आपको बड़ा बनाने के लिए हो रही हैं, आपने इसमें से बड़ा बनना है, आपने 300 करने हैं और मैंने 110 कहे हैं, प्लीज़ 110 करिएगा, मेरी बात का मान रखना है कि 40 करने हैं, अभी आप बहुत छोटे हो और फिट भी हो, डरना नहीं है, पता लगे कि टक्कर के बंदे के साथ टक्कर मारी है किसी ने तो आप वो टक्कर वाले आदमी हो, आप जाओ कोई बात नहीं, रिकलेक्ट करो अपने आप को, कंपोज करो, फोकस करो और कोशिश करें, हिट मार के रन नहीं होने, विकेट पर ठहर के रन होने, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, विकेट में जितना टाइम दोगे आप रन कर लोगे, सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी, कुछ चीज़ें हैं नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रही, शॉटें लग रही हैं लेकिन टाइम नहीं दे रहे हो अपने आप को, फ्रस्ट्रेशन शो कर रहे हो, मार के निकलना चाह रहे हो, मार के निकल सकते हैं आप ग्राउंड के ऊपर, विकेट के ऊपर, पिच के ऊपर रह के 100 बॉलें खेल के आप तभी निकलोगे। सो जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको आप छोड़ दें, सोशल मीडिया से हट जाएं, आप अपने आप को फोकस कर लें, छोड़ दें बाकी कौन क्या कहता है, छोड़ दें भाई। देखो मैं जब विराट कोहली को पहला मिला था वो बच्चे थे, छोटे से थे,
2010 की बात कर रहा हूँ, तो उनमें एग्रेशन था, चाहत थी, लड़ने का जज्बा था। वो जज्बा आज भी ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ी फॉर्म ही गई है ना, तो क्या हो गया, फॉर्म आ जाती है। वो कहते हैं जी फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट, पता नहीं क्या क्या ये बातें करते रहते हैं, क्लास इज फॉरएवर। भाई जान जब फॉर्म जाती है तो क्लास भी जाती है, सर फॉर्म ही सारा कुछ होता है। मैं बस ये मशवरा दूंगा बहुत सारे इंडियंस को, प्लीज़ हल्का होला हाथ रखें, होला हाथ रखें विराट कोहली पे, वो ग्रेटेस्ट प्लेयर है, ग्रेटेस्ट प्लेयर के साथ इस तरह सलूक नहीं किया जाता। बहरहाल जो भी बातें नेगेटिव आपके खिलाफ विराट कोहली साहब आपके खिलाफ हो रही, आप इनको ज़खीरा इसको समेट लें, एक तिजोरी में बंद कर लें और उसको पी जाए। गुस्सा अगर निकाल दिया तो एनर्जी ज़ाया हो जाएगी, गुस्से को अगर पी लिया तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और बॉल जब बल्ले पर लगेगी तो बॉल ही निकलेगा, आग निकलेगी वहां से, लेकिन फोकस होने के साथ साथ। मेरा सिर्फ यही मशवरा, स्टे इजी, स्टे रिलैक्स, एंजॉय द राइड, यू द ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर इंडियन इंडियन एज एवर सीन आफ्टर सचिन तेंदुलकर। और मैं आपको पूरा बैक करता हूँ, एज ए पाकिस्तानी आपको पूरा बैक करता हूँ। और ये आपसे कहता हूँ कि आइए वापस, दोबारा आइए, मेथड के साथ आइए, एबिलिटी आपके पास है, कैपेसिटी आपके पास है, लेकिन थोड़ा अपने आपको टाइम दीजिए। और ये वक्त अगर सुबह नहीं रही तो शाम भी नहीं रहेगी। और जो कुछ हुआ कैप्टनसी भूल जाए, IPL भूल जाएं, जो कुछ हुआ भूल जाएं,